अगर उस घर में अपना कंट्रोल हासिल करना है ना, तो तुम्हें आली को अपनी मुट्ठी में करना होगा। और ये सब कैसे करना है ये तुम अच्छी तरह जानती हो। देखो अभी इन्होंने बहुत मुसीबतें खड़ी करनी है, बहुत सी बातें करनी। अगर तुमने अभी से हार मान ली तो आगे कैसे मैनेज करोगी? और सबसे जरूरी बात यह है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मुझे इनकी की हुई बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। कल से आप भाई को आली के पास भेजेंगे, ठीक है? आली ठीक है ना? हाँ तुम कह रही हो तो ठीक ही होगा। कौन हो तुम? छोड़ो इसका हाथ। परीसा, परीसा रुको, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। बताती क्यों नहीं, कौन था ये शख्स? इरफान। इरफान? कौन इरफान? परीसा, अब ये तुम्हारी अपनी जगह और इसे अपनी जगह जानकर ही काम करो, ठीक है? जी भाई। मुझे उम्मीद है कि तुम बहुत जल्दी ये सारा काम समझ जाओगे। जी। एक्सक्यूज मी। हेलो भाई। गुड़िया, क्या हुआ गुड़िया? भाई वो, अरे कुछ बोलो तो सही, हुआ क्या है? भाई प्लीज आप जल्दी से यहाँ पर आ जाएं, प्लीज। मैं बस मैं आ रहा हूँ, तुम फिक्र नहीं करो। क्या हुआ भाई, खैरियत है? मैं साथ चलूँ आपके? नहीं नहीं तुम यहीं रुको। कह रही हो शादाब, कौन था वो लड़का? खाला ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे तो कोई बहुत बड़ा चक्कर लग रहा है। और पता है खाला, दोनों एक दूसरे को जानते भी हैं। परीसा ने इरफान नाम बताया उस लड़के का। मैं तो कह रही हूँ कि आप आरिश को बुलाएं और उसे कहें कि परीसा को सबके सामने बिठाए और उससे पूछे कि सब क्या चक्कर चल रहा है। शादाब मैं उसे फोन करूंगी ना तो मैं उसे फोन पर ही डांट दूंगी। तुम उसे फोन करो, कहो कि अम्मी फौरन तुम्हें घर बुला दी, अभी करो उसे फोन। लेकिन अभी करो उसे फोन। ठीक है खाना। अजीब अजीब चक्कर है। क्या हुआ है, कोई झगड़ा हुआ है क्या? कैसा झगड़ा, किसका झगड़ा? तुम्हें नहीं पता, परीसा का फोन आया था, रो रही थी। आली बहुत परेशान होकर गया। खाला मेरा ख्याल है आरिश आ गया, बेल हो रही है। आप उसे कमरे में ना जाने दीजिएगा, यही बुलाए सामने। जाओ फिर जाके दरवाजा खोल और उसे यहाँ बुला के लो, कहना अम्मी कमरे में बुला दी अपनी। जाओ। ठीक है। परीसा, 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 क्या बात है अली, खैरियत है? परीसा कहाँ है? यही है, खैरियत है? अरे इरफान, शादा क्या हो रहा है ये? कौन इरफान, क्या हो गया? अच्छा पता नहीं, हो सकता है कि आरिश से कुछ। आरिश इस वक्त ऑफिस में होता है। अच्छा फिर मुझे नहीं पता। तो पता करो ना, इसलिए तो फोन किया। अच्छा ठीक है, मैं बच्चों से पूछती हूँ।
पास सो गई, मैं हूं ना पास, इसके लिए पानी लेके आ। मतलब मैं पानी लाऊं इसलिए ताकि मुझे कुछ पता ना चल सके? बच्चों से पूछना पड़ेगा, अभी पूछती हूँ। पता नहीं कौन लड़का था आया अचानक से परीसा का हाथ पकड़ लिया। हाँ, लेकिन कुछ पता चला कौन था वो? यही तो पूछ रहे हैं हम, बताओ कौन था वो। मुझे क्या पता, परीसा ने कुछ बताया आपको? हमें क्यों बताएगी वो, तुम पूछो। जाहिर है मैं तो उससे पूछूंगा ही। आली जानता है सारी बात, सब पता है उसको। हाँ तो आप लोगों को चाहिए था ना कि आली को वहाँ पर रोकते, कम से कम मेरे आने का इंतजार तो करते। भाई हम कैसे रोकते, वो आया और अपनी बहन को गले लगा के लेके चला गया। अच्छा चलिए ठीक है, मैं परीसा से बात करता हूँ। पता करो, हमें भी बताओ। जी देखो खालम अच्छा है, पूछिए उससे। गलती सारी मेरी है, मुझे उसके बारे में खबर रखनी चाहिए थी। मगर कैसे भूल गया मैं उसे, कैसे? मुझे बहुत डर लग रहा है भाई, अब पता नहीं वो क्या करेगा। गुड़िया, गुड़िया इसमें डरने की क्या बात है, कुछ नहीं कर सकता वो। मैं हूं ना तुम्हारे पास, तुम्हारा भाई। प्लीज रोना बंद करो, मैं बीजान को भेजता हूँ तुम्हारे पास, राहिल से बात करता हूँ। ओके उसके साथ तो बैठे हुए हैं। बात ही हुई आई थी घर पे। तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ जाकर सुनो क्या बातें हो रही, क्या चल रहा है वहाँ पर, कौन था वो लड़का? बच्चों ये बात तो आप भी समझ रही हैं, कौन हो सकता है? खैर तफसील तो पता चल ही जाएगी। आरिश पहुंचा वहाँ पर, यहाँ से तो निकल गया। अच्छा ठीक है। हाँ राहिल ठीक है, तुम फौरन पता करवाओ। ओके बाय। भाई कैसे, क्या हो रहा है, खैरियत तो है ना? कुछ नहीं, क्या हुआ? परीसा कहाँ है भाई, प्लीज मुझे बताइए, वो सेफ तो है ना? शी इज परफेक्टली ऑलराइट, सब खैरियत ही। लेकिन ये हो क्या रहा है, मुझे कुछ तो बताइए, आखिर ये लड़का है कौन? यार मैं तो तुम्हें यही मशवरा दूंगा कि तुम उसके पीछे वापस ना जाओ। नहीं छोड़ूंगा तो नहीं मैं उसे, उसकी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हुई है, मेरी मां इस दुनिया से चली गई, मैं आखिरी बार उसे देख भी नहीं सका यार। छोड़ नहीं सकता हूं मैं उसे, नहीं छोड़ूंगा उसे। देख लो यार, क्योंकि अगर अब तुम फंसे ना तो लंबा जाओगे। अब फंसूंगा नहीं, फंसाऊंगा। दर बदर किया है ना उसने, उसको भी चैन से जीने नहीं दूंगा मैं। तुम पिछले 2 महीने से उसके घर के चक्कर काट रहे हो और हर बार वहां ताला पड़ा होता है। खुलेगा ताला, बहुत जल्द खुलेगा, और अगर नहीं खुलेगा ना तोड़ दूंगा। क्या तुम्हें अपनी आने वाली जिंदगी के बारे में कुछ अच्छा नहीं सोचना चाहिए? देखो अभी एक बहुत बड़ा कर्ज है मुझ पर,
ये चुकाना बहुत जरूरी है। तुमने देखा था ना किस हाल में पड़ा था मैं जेल में। यार अब तो तुम ठीक हो ना, प्लीज भूल जाओ। एक दिन भी मैंने उस शख्स के घर से नादिया को आते जाते निकलते हुए नहीं देखा। पता नहीं साली कहां गए होंगे। यार तुम्हें प्रॉब्लम परीसा से है या नादिया से? छोड़ो यार, मत तो जाओ खुद को मेरे बस लेना। मैं चाय बनाता हूँ, पीते दो। मुझे क्या पता था कि मैं इसे वहां से निकाल के लेकर आऊंगा और ये फिर भी उन्हीं मसले में उलझा रहेगा। कह भी नहीं सकता कि मेरे घर में रहते हुए ये सब ना करो, चले जाओ यहां से। देखो परीसा, मैं जानता हूँ कि तुम परेशान हो। आरिश, मैंने तुमसे कुछ नहीं छुपाया, जरूरत नहीं पड़ी तभी तो मैं कुछ नहीं बता सकती। जानता हूँ परीसा, भाई ने मुझे सब कुछ बता दिया है और इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। लेकिन देखो, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्योंकि मैं तुम्हारे साथ, हम सब तुम्हारे साथ हैं और हम सब देख रहे हैं इस चीज को। प्लीज परीसा, तुम्हें हम पे एतबार करना, मुझ पे एतबार करना। वैसे भी भाई ने इंस्पेक्टर को कॉल भी कर दिया है, वो बहुत जल्द गिरफ्तार हो जाएगा। और एक दफा वो गिरफ्तार हो गया तो देखना सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। प्लीज टेंशन मत। मैं बहुत डिप्रेशन में। तुम डिप्रेशन में क्यों हो? यहाँ खड़े होने की क्या जरूरत है तुम्हें? तुम प्लीज अंदर जाओ, जाके रेस्ट। मैं तुमसे कह रहा हूँ ना कि हम सब कुछ संभाल रहे हैं, संभाल लेंगे। वाह यार, क्या ऐश है। सुबह फोन किया था तुझे कि आ जा, और तू अब आ रहा है। यार वो थोड़ा अहमद के साथ बिजी हो गया था। यार ये तुम्हारा दोस्त महीनों से तुम्हारे साथ रह रहा है, जान कब छोड़ेगा तुम्हारी? दोस्तों के लिए तो जान भी हाजिर है। खैर ये सब छोड़ो, ये बताओ कि तुम यहाँ कैसे? बस यार, किस्मत का सितारा जब चमक जाए। मेरे भनोई का शोरूम है। अच्छा? हाँ यार, बड़ी रिक्वेस्ट थी, कोई बंदा नहीं मिल रहा था इनको। अम्मी और बहन ने भी बोला, मैंने सोचा चलो जब तक बंदा नहीं मिलता इनकी हेल्प कर दूं। चलो अब आ गए हो तो लगे रहो। चलो पहले तुम्हें सारा शोरूम दिखाता हूँ, फिर चाय शाय पीते हैं। यार इतनी जबरदस्त मेरी जॉब लगी है माशाल्लाह, सिर्फ चाय से काम नहीं चलेगा। कोई अच्छा खाना खिलाओ, कोई अच्छे रेस्टोरेंट में लेके जाओ। अरे यार स्कूल का जमाना याद आ गया, तब भी तू ऐसी बातें करता था और अब भी ऐसी कर रहा है। अबे जो मर्जी खा लियो, कढ़ाई खाएगा। चलो चाय। मुझे समझ में नहीं आता है आप हर मामले से इतना अलग अलग क्यों रहते हैं। तो आखिर मैं क्या करूं? क्या करूं क्या मतलब, बात करें आरिश से, आखिर आप उसके बड़े भाई हैं। कोई रो भी नहीं है आपका उस पर। देखो शादाब, मैं अभी ऑफिस से आया हूँ, मुझे पहले पूरी बात का पता तो चले। हाँ आपका रोब सिर्फ मुझ पर ही चलता है। पूछें उससे, फोन करें आरिश को, कौन था वो लड़का, क्या करने आया था। पता नहीं क्या करतूत थे उसके ये पैसे वालों की अमीर घरों की लड़कियां, कई कई बॉयफ्रेंड्स होते हैं इनके, और हमारा सीधा साधा आरिश फंसा लिया। पता नहीं क्या क्या सुनने को मिलेगा, क्या क्या देखने को मिलेगा अब और इस घर में। पूछ लूंगा और सख्ती से पूछूंगा। बस पूछ लूंगा। जितना मैं परीसा की जिंदगी का अहम फैसला करते हुए मोहताज था, डरता था, उतना ही बड़ा गलत फैसला मुझसे हो गया
इरफान पर भरोसा करके। रिश्ता तो उसने परीसा के साथ जोड़ा था, मगर नजर वो नादिया पर रखता था। बहुत चाहते थे आप नादिया को? शायद मैं बहुत चाहता था उसे। और वो? धोखा दिया उसने मुझे मोहब्बत में, खुद फर्ज निकली। तुम दोनों भाई बहन की सारी कहानियां अब खुलना शुरू हो रही हैं। क्या हुआ, तुम परेशान हो गई? नहीं, बस आपको इस तरह परेशान देख के रहा नहीं जाता। तुम हो ना मेरे साथ। देखो, तुम तो मेरी जिंदगी में हो मुझे हौसला देने के लिए, मेरी हिम्मत बढ़ाने के लिए। परेशान मत हो। ये बताएं कि वो लड़का पकड़ा क्या? नहीं, वो वहां है ही नहीं। अच्छा, आप फिक्र मत करें, वो जहां भी होगा पकड़ा जाएगा। मुझे पता है कि आप बहुत ज्यादा थक गए, आ जाए सोते। तुमने मुझे फंसवा के अच्छा नहीं किया था ना दिया। आज तक फोन बंद है तुम्हारा। खैर, नंबर चेंज भी कर लिया है तो क्या हुआ, मैं बहुत जल्द नए नंबर तक भी पहुंच जाऊंगा। कभी परीसा को इतना घबराया हुआ, इतना परेशान नहीं देखा था। जिस दिन मुझे वो शख्स मिल गया, जान से मार दूंगा उसे। परीसा, तुम अब तक सोई क्यों नहीं? आरिश, तुम इस वक्त यहां पर क्या कर रही हो? बहुत जलसी होती है मुझे परीसा से। आरिश, थोड़ी देर रुक तो जाओ। आरिश, छोड़ो मेरा। तुम कर क्या रही हो यहाँ पे? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम मुझे जितना धुतकारोगे ना, उतना ही करीब आऊंगी मैं तुम्हारे। हिम्मत, तुम्हें अपनी इज्जत का कोई एहसास नहीं है। एक बार तो प्यार से बात कर लो। आरिश पे हैरान हो शैदा, किस तरह उसने अपनी बीवी की हरकत सुनकर भी कुछ भी नहीं कहा, और जाके वहां आराम से बैठ गया, वापस पता नहीं कब आएगा।
हाँ खाला, मैं तो खुद इतनी हैरान हो गई थी जब मुझे गुल ने बताया। हैरत की बात, मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा। मुझे भी नहीं आ रहा। आरिश को देखो जरा, पता आ गया। हाँ मुझे लग रहा आ गया। ये कौन आ रहा? खाला ये इरफान जिसने परीसा का हाथ पकड़ा था। ये घर तक आ गया हमारे? ये इसको से बात कर। जैसे